पाकिस्तान। अच्छा अब हम वो यादें ताजा करते हैं। इमरान खान जब भी जलसे हमारे हुए, एक चीज इमरान खान ने कहा कि वो वाला वीडियो लाजमी दिखाना, तो वो अभी हम देखते हैं। और ये चलाइएगा जी सरदार सैयद, वीडियो चलाइएगा बहुत हो गया ये जलसे जुलूस और रैलियां। अब इस बात को 3.5 साल हो गए हैं, इमरान खान जेल में है, 1 साल उसके लिए हो गया है। हर जगह आपने जहां बुलाया हम वहां पहुंचे, और मैं सेक्रेटरी जनरल हकीकी आजादी टाइगर विंग की तरफ से और सदर शौकत अली भट्ट की तरफ से हमारे साथ खड़े हैं। ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जलसे जुलूस इनको छोड़ें और फाइनल कॉल दें इस्लामाबाद की तरफ। जैसे आज आपने स्वाबी में कॉल दी, लाखों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर आप में गैरत और आप में कुछ गैरत की बात बाकी है तो आप इनको यहाँ इस्लामाबाद की तरफ दावत दें। इस्लामाबाद की तरफ हमें लेकर जाना चाहिए और बकाया लोगों को भी आपको दावत देनी चाहिए कि आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ। ये जलसे जुलूस और स्टैब्लिशमेंट के कहने पर जो आप लोग PTI को कमज़ोर कर रहे हैं, ये हमें समझ आ रही है। हम यही समझेंगे कि आप स्टैब्लिशमेंट के कहने पर चल रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत ने लोगों को निकाला, शेर अब्दुल मरवत लोगों को बाहर लेकर आया। आज शेर अब्दुल मरवत के ऊपर आपने जनाब गद्दारी के केस बना दिए। शिबली फराज कहाँ से जनाब पार्टी का वफादार हो गया है, या उमर अयूब कहाँ से पार्टी का वफादार हो गया है, और या बकाया जो लोग कहते हैं वो कहाँ पार्टी के वफादार हो गए हैं, जो आप शेर अब्दुल मरवत को कह रहे हैं कि आप पार्टी के गद्दार हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए, जब पार्टी मरी हुई थी कोई आदमी पार्टी के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। उस टाइम हम शेर अब्दुल मरवत के साथ खड़े थे, शेर अब्दुल मरवत PTI के साथ खड़ा था। आज भी वो कह रहा था कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं उससे मिला हूँ, और कल भी वो इमरान खान का सिपाही है। आप इमरान खान की बातें त्रोड़ मरोड़ कर यहाँ लोगों को पेश करते हैं, लेकिन लोग आप यकीन नहीं करते। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को, अली अमीन गंडापुर साहब वजीर अल्लाह KPK को भी ये कहना चाहते हैं, अगर आप में गैरत है या आपके साथियों में गैरत है तो पंजाब की तरफ इस्लामाबाद की तरफ आएँ। पंजाब में आपने देखा आज यहाँ कसीर तादाद से, तकरीबन हज़ारों की तादाद से लोग यहाँ पहुँचे, मैं खुद पंजाब से यहाँ पहुँचा हूँ। तो आपको गैरत करनी चाहिए। इमरान खान के नाम पर आप खा रहे हैं, इमरान खान के नाम पर आप जनाब बजा रहे हैं, इमरान खान के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इमरान खान के वफादार हैं, या इमरान खान से प्यार करते हैं, या कैदी नंबर 804 से प्यार करते हैं, तो इस्लामाबाद की तरफ लोगों को लेकर आएँ। जब तक आप इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, जब तक आप मुजहमत नहीं करेंगे, आप देख लें बांग्लादेश में जुल्म जो किया इन्होंने बांग्लादेश वालों की हुकूमत ने, तो वहाँ 300 लोग शहीद हुए। लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं, लोग खून देने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हैं। आप गैरत करें,
आप लीड करें, आप आगे की तरफ बढ़ें। हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर आप आगे ना बढ़े तो हम वर्कर और हकीकी आजादी टाइगर के जवान इंशाल्लाह आगे बढ़कर शेर अफजल के साथ मिलकर इंशाल्लाह इमरान खान को निकालेंगे। आपके कहने पर, आपके बुलाने पर अब नहीं आएंगे अगर आप इमरान खान के लिए इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। अभी हम सभी में यहाँ मौजूद हैं, हम ये पैगाम इसलिए यहाँ रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसके बाद आपकी तरफ इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएंगे जब तक आप इस्लामाबाद को निकालने की कहानी देंगे। तो सारे पाकिस्तान के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, लोग तैयार रहे, अगर ये लोग ना निकले तो इंशाल्लाह की आजादी के टाइगर निकलेंगे। आप सब भी हमारे साथ निकल रहे हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर पहुंच चुके हैं। सर क्या कहेंगे बैरिस्टर गौहर साहब? बस 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 बस, ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बाकी जो दिगर कायदीन है वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। और अभी 5 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन 5 बज चुके हैं। लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता यहां पर पहुंच रही है। लतीफ कोसा की गाड़ी भी हम देख रहे हैं। जो एंट्री थी वो तमाम रहनुमाओं की पब्लिक के अंदर से थी और पब्लिक के दरमियान में से ही आए हैं। और पब्लिक की जानिब से जो वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से यहाँ पर वीडियो भी बनाई गई हैं, तस्वीरें और सेल्फियाँ भी ली गई हैं जो रहनुमा थे। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। अभी लोगों ने पिंडाल की तरफ रुख शुरू कर दिया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। लतीफ खोसा, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा और दिगर जो कायदीन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो दिगर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो केपी के से हैं या मुल्क वर्ग से हैं, उनकी जो आमद का सिलसिला है वो भी यहाँ पर जारी है सारी है। इधर इधर सर जी, सर और दे और दे। ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सलाबी जलसा गा के मनाज़िर हैं और आप देख सकते हैं जो रहनुमा हैं उनकी जो आमद और रफ्त का वो सिलसिला आज शुरू हो चुका है। यहाँ पर पुलिस और जो कारकुनान हैं उनके दरमियान भी कल कलामी देख सकते हैं, क्योंकि कारकुनान अपने लोगों के साथ अंदर जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस नहीं जाने दी।